Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. यहाँ पर 2018 के हमने डेटा लिए और उस डेटा से हम दिखाएंगे कि टॉप कितने नंबर पे पिछली बार हुआ था, टॉप 10 कितने पे आई थी और लास्ट सिलेक्शन कितने पे हुआ था। तो बात करते हैं फर्स्ट रैंक की। जी हाँ, फर्स्ट रैंक की। आपको बताते हैं 120 क्वेश्चन थे पिछली बार, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स टोटल था 3 नंबर, यानी कि हमारे टोटल हुआ 360 और निगेटिव पे एक नंबर कट रहा, तो वही सेम इस बार भी है। बस वहां पर OMR बेस्ड था, मतलब आपको पेपर प्रिंट आउट मिल रहा था, इस बार कंप्यूटर बेस्ड था। अंतर ये हुआ इस बार NTA ने कराया एग्जाम और पिछली बार भी क्वेश्चन गलत थे, इस बार ज्यादा ही गलत हैं। तो यानी कि पेपर के पैटर्न में और पेपर में जो कमियां थी वो कमियां बिल्कुल नहीं सही हुई। हाँ, पेपर के जो मोड था मोड चेंज हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। फर्स्ट रैंक कैसी आई है और कितने नंबर उसने अटेम्प्ट किए थे, तो टोटल अटेम्प्ट थे 115 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, 115-120 में। माई गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा अजीब है और इससे पता चला कि मतलब 120 तक लोग जा सकते थे और टोटल मार्क्स थे 325। तो 325 देखिए अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, ये बिल्कुल फर्जी है, ऐसे क्वेश्चन मत आस्क करो। 325 कैसे बने? करेक्ट क्वेश्चन उनके 110 थे, यानी कि 115 में 110 क्वेश्चन सही थे, तो 330 बनने चाहिए थे, 5 गलत हो गए तो 5 नंबर चले गए, यानी कि 325 हो गया, यानी 110 से भी कम हो गया। यानी कि अगर दो नंबर और कम कर दे दो क्वेश्चन, तो 108 सही अगर थे पिछली बार, 108 जिसने सही किए होंगे फर्स्ट रैंक बनी, पिछली बार की बात कर रहे हैं। और सेवंथ रैंक देखो कहां पे बनी है, ये सेवंथ रैंक क्या था, 96 अटेम्प्ट किए गए, टोटल हमारे 276 बने। अब 276 कैसे बने, 93 सही हुए, तो 279 मार्क्स टोटल आए, 3 गलत हो गए, तो 3 नंबर यहां पे कम हुए, यानी कि 96 की जगह अब 3 नंबर चले गए, तो 95 कितने हुए, 95। तो 95 पे सेवंथ रैंक, जिन्होंने 95 किया होगा उनकी सेवंथ रैंक लग गई, ठीक है। अब बात करते हैं 94 रैंक कितने पे लगी, 97 अटेम्प्ट किए, देखो अब सेवंथ रैंक 96 वाले पे लगी है, ये 97। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 95 प्लस करके आए, सर 95 प्लस करके आए, गलत कितने के पहले वो काउंट करो। तो यहाँ पे 97 है और 231 यहाँ पे बने, क्यों, करेक्ट क्वेश्चन कितने 82 सही हुए इनके, 82 सही है तो 246 होने चाहिए, 15 इन्होंने गलत कर दिए तो 15 इनके माइनस हो गए। अब 15 का 3 से डिवाइड करो तो कितने हो गए, 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 5 इनके और चले गए, तो 97 से 5 चले गए, यानी 92, यानी 92 जो सही करके आया होगा उसके, यानी 90 करके आया तो उसकी 94 या 95 रैंक बनी। अब ये 95 वाला भी फ्री सीट पे पढ़ रहा है, तो अब आइडिया लगता है कि अगर 2018 में 110 के अराउंड, यानी 108 की बात की थी, एग्जैक्ट है ये तो एग्जैक्ट है कि 108 पर रैंक लगी, एग्जैक्ट डेटा है, पिछली बार शिवम तिवारी का एग्जैक्ट डेटा है, तो यहाँ पर 110 हम मान चलते हैं, तो 330 नंबर या उससे 3 नंबर और कम कर दीजिए, 6 नंबर और कम कर दीजिए तो हो गया 324, ठीक है। और यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके सही होंगे अगर जो सिलेक्शन की बात करते हैं कि मतलब 75 क्वेश्चन सही होंगे तो 225 अगर बनते हैं टोटल अराउंड आपके नंबर, तो आपका सिलेक्शन पिछली बार हो गया था फ्री सीट पर। लास्ट की बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग के बाद जो सिलेक्शन होता है। अब 2019 की बात करें तो पेपर इजी, पिछली बार पेपर टफ नहीं था, पिछली बार भी पेपर इजी ही था, तो पेपर इजी था, इस बार भी पेपर इजी था, और बट क्या हुआ कि वेल सफल कर दिया, मतलब कहने का मतलब था कि मैथ्स के पहले ऑर्डर में क्वेश्चन आते थे, बाइनोमियल, फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आपके कोनिक सेक्शन, एक चार चार पाँच पाँच छः छः के बंच आते थे, तो ऐसे क्या है हमारा रिदम बना रहता है। मगर इस बार क्या था, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन था बाइनोमियल, फिर उसके बाद रीजनिंग आ गई, फिर उसके बाद कोनिक सेक्शन आ गया इस रीजनिंग, या फिर उसके बाद लास्ट में बाइनोमियल आ गया, तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, तो इससे भी परेशान हुआ। दूसरी बात, कंप्यूटर बेस्ड था, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया भी होगा, तो अब आजकल हम कंप्यूटर पे टेस्ट बहुत कम देते हैं, लैपटॉप पे मोबाइल पे देते हैं, तो जब मोबाइल को ऐसे देखते हैं तो सीधे देखते रहते हैं, उधर अटेम्प्ट करते रहते हैं, पेपर पे देखते हैं तो पेपर पे पूरा क्वेश्चन स्कैन करना पड़ता है, जब हम सामने वाली फ्रंट स्क्रीन को देखते हैं नीचे तो हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है, पूरा रीड करना पड़ता है, तो यहाँ पर टाइम का तो टारगेट रहता ही है कि 120 में 120 क्वेश्चन करने थे, तो अब हो गया कि हम मान चलते हैं कि 10 क्वेश्चन का फर्क पड़ा, मगर ये ध्यान रखिए कि 10 क्वेश्चन का फर्क एक एवरेज स्टूडेंट पड़ा, जो आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि पिछली बार का टॉपर रहा 115 क्वेश्चन छुआ उसने, तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट जरूर होंगे जो आउटस्टैंडिंग होंगे, उनको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि आप पेपर कितना भी फेल सफल कर दीजिए, किसी भी मोड में कर दीजिए, कॉम्पिटिशन को किसी भी लेवल पर ले जाइए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते ही है, तो उनकी बात करेंगे तो वो इस बार भी 105-107 के बीच में आएगा ही,
ये टॉपर डिसाइड होगा जिसका 105 और 107 के बीच बन रहा है, वो एश्योर हो जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में क्या लगेगी, वो इतना फिक्स हुआ है। अब ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, जनरल की बात करें, अगर 70 प्लस बन रहे हैं, हमने बोला एवरेज स्टूडेंट जो एवरेज करके आए हैं, जिनका रैंक लगेगा, जिनका सिलेक्शन हो सकता है, उनमें फर्क पड़ेगा। 70 प्लस अगर जनरल करके आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 65 प्लस, ये अटेम्प्ट वाली बात नहीं कर रहे, सुखुश मत होना कि 100 प्लस करके आए और उसमें से 40 गलत कर दिए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये एक्यूरेट होने चाहिए कि 65 प्लस होने चाहिए, यहाँ पे 70 प्लस होने, एससी वाले एसटी वाले 55 प्लस अगर आए तो बीएचयू में वो एडमिशन ले सकते हैं। और ये फ्री सीट की बात करें, पेड सीट और साउथ कैंपस की बात नहीं कर रहे हैं। आपको हमने एक वीडियो इससे पहले दिया है जहाँ पे हमने बताया कि बीएचयू में कितनी सीट्स हैं, फ्री सीट कितनी है, पेड सीट कितनी है और साउथ कैंपस में कितनी सीट्स हैं, उस वाले भी आप वीडियो को देखें, सजेशन में लास्ट में दिख रहा होगा। और ये कट ऑफ प्रेडिक्शन हमारा था, ये हमारा खुद का प्रेडिक्शन नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, लगभग 500 प्लस स्टूडेंट से हमने बात की है, उनके डेटा पर हमने 2019 की बात की है। और पिछली बार ये लगभग किसी से बात नहीं, टॉपर से बात की, सेवंथ जिसकी रैंक सेवंथ है उससे बात की एग्जैक्ट, और फर्स्ट रैंक वाले से बात की, और 95 और 94 वाले से भी बात की है। तो हमने सारे लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें दिखाना था कि टॉपर कितने पे था, टॉप 10 कितने पे आया और लास्ट वाला स्टूडेंट कितने पे आया। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात रखते हैं, और सारी डेटा जो दिया जा रहा है वो बच्चों पर एनालिसिस करने के बाद ही दिया गया, ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, जो बच्चों ने किया है वही प्रेडिक्शन है। तो मावला क्लासेस की ये सारे वीडियोज अगर आपको सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लगता है कि फ्रूटफुल हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो हमने बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और लाइक जरूर करें, कमेंट्स के थ्रू आप फीडबैक दें कि वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में चाहिए तो आप अपनी डिमांड वहाँ रख सकते हैं और हम उस पर भी एक सेशन ले सकते हैं। तो डिमांड पर ये टॉपिक था, और डिमांड पर हमने एनालिसिस की, कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, तो ज़रूर अप्रिसिएट करें और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।